ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसे कि मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड या अन्य कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका खो गया, जल गया, पानी में भीग के गल गया, तो अगर आप द्वितीय कॉपी उसका निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन लिखना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे खोया हुआ ओरिजिनल सर्टिफिकेट को निकालने के लिए आपको आवेदन कैसे लिखना है, और उसके बाद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी एक फॉर्मेट है उसको भी आपको कैसे भरना है। उसके बाद जब आप आवेदन लिख के और मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट जिस भी विद्यालय से आप पास करते हैं वहाँ के हेडमास्टर के द्वारा जब आप हस्ताक्षर और मुहर करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपको एडमिशन रजिस्टर्ड की फोटोकॉपी लेनी पड़ती है। तो वो आप कैसे लेंगे हेडमास्टर से, उसके भी बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी बता देंगे, ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक स्किप नहीं करना है और आपको देख लेना है, ठीक है। अगर नहीं देखेंगे तो आप ही को बाद में क्या होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय जाएंगे तो वहाँ पर आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आवेदन लिखना, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, सेवा में सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो आपका परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय आपका होगा मान लीजिए परमंडल, तो आपका परमंडल कहाँ पे है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद विषय में आप यहाँ पे लिखेंगे डुप्लीकेट मार्कशीट हेतु आवेदन। जैसे कि मेरे केस में मेरा मार्कशीट खो गया तो मैंने लिखा डुप्लीकेट मार्कशीट। अगर आपका प्रोविजनल खो गया तो डुप्लीकेट प्रोविजनल लिखेंगे, या फिर आपका मूल प्रमाण पत्र खो गया तो लिखेंगे डुप्लीकेट मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद महाशय सविनय निवेदन है कि मैं वर्ष, अब जिस वर्ष आप मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट पास किए हैं जिसका सर्टिफिकेट आपका खो गया वो वर्ष लिखेंगे। मैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हुआ था। अगर आप इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किए तो आप इंटरमीडिएट लिखेंगे। उसके बाद मेरा नाम, अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, जो भी आपके मतलब मार्कशीट में था रोल नंबर, रोल कोड वो लिखेंगे, पंजीयन संख्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन पहले मेरे घर में आग लगने के क्रम में मेरा मूल यानी ओरिजिनल मार्कशीट जल गया, या फिर और भी रीज़न दे सकते हैं कि बारिश में भींग आने के कारण मेरा मार्कशीट गल गया पानी में, या फिर चोरी हो गया। अगर आप चोरी का इल्ज़ाम यहाँ पे देते हैं तो आपको वहाँ पे थाना से जो भी होता है प्रोसेस वो करवा के उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको देना पड़ता है, ठीक है। या फिर खो गया ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका रीज़न होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि आवेदन को स्वीकार कर डुप्लीकेट मार्कशीट, मैं मार्कशीट ले रहा हूँ तो मार्कशीट मैंने लिखा, अगर आप मूल प्रमाण पत्र ले रहे तो मूल प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, देने की कृपा प्रदान करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। नीचे में आपका विश्वासी नाम जो भी आपका होगा, ऊपर में जो लिखे थे रोल नंबर, रोल कोड, पंजीयन संख्या, दिनांक यहाँ पे डाल देंगे, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से ये डेमो फॉर्म है, मैं आपको सिखाने के लिए इस फॉर्म को इस तरीके से भरा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाला कॉपी आप का रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेट आएगा, कैसे डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में बताएंगे, पहले सीख लीजिए कैसे आपको भरना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा का नाम एक नंबर में, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, ठीक है, तो माध्यमिक मैट्रिक हो गया, उच्च माध्यमिक इंटर हो गया, तो जो भी आपका होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। परीक्षा वर्ष, किस वर्ष आप परीक्षा दिए थे जिसका सर्टिफिकेट आप निकाल रहे हैं, रोल नंबर आप लिखेंगे, रोल कोड लिखेंगे जो आपको पंजीयन में मिलेगा, एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट का कोई भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेना चाहते हैं तो आप वहां पे लिख देंगे जो भी आपका संख्या होगा, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ठीक है। अगर मैट्रिक का है तो इसे आप छोड़ देंगे, ठीक है। दो नंबर में यहां पर आते हैं तो आप यहां पर लिखते हैं नीचे जो प्रमाण पत्र चाहते हैं उस वर्ग में टिक करें, ठीक है, और जो नहीं चाहते हैं उस वर्ग में मतलब गलत का निशान बोलने के बोला जाता है लगाने के लिए, यहाँ पर रोंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोंग लगाता हूँ, इसको मैं भूल गया था लगाना, ठीक है। तो मुझे चाहिए अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और बाकी में गलत कर दिया, ठीक है, आपको इस तरह से यहाँ पे कर देना। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो मेरा उपरोक्त वांछित मूल डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेरा मूल डॉक्यूमेंट्स था, जो भी आपने आवेदन में रीज़न दिया था, ठीक है, मैंने लिखा था घर में आग जल मतलब लगने के कारण मार्कशीट जल गया, तो वहाँ पर भी मैंने लिखा घर में आग में जलने के कारण उपलब्ध नहीं है, इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपका हुआ, या फिर
कहीं पर खो गया वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, जैसे कि मैं मूल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी दे रहा हूँ, एडमिट कार्ड, पंजीयन, उसके बाद SLC SELC जो भी आपके पास है, जिसकी भी फोटोकॉपी है वो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यानी आपका जो हापिट एपिट होता है वो मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, उस पर उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिए कैसे हापिट एपिट बनाते हैं। अगर आपका कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो जाता है तो उस कंडीशन में हापिट एपिट कैसे बनाते हैं, उस पर मैंने पार्टिकुलर वीडियो बनाया है, ठीक है। उसके बाद अन्य में इसको आपको छोड़ देना, अन्य में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, विद्यार्थी का पूरा नाम लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिखेंगे, विद्यार्थी के पिताजी का नाम, तो जो भी जानकारी यहाँ पर भरेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षर में और आप अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, यानी जो भी उस पर स्पेलिंग है, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना। पोस्ट का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे, और विद्यार्थी का आधार नंबर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर डेट होगा जिस डेट को इसको जमा करेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी प्रधानाध्यापक जो भी आपके होंगे 10वीं का या 12वीं का, उनसे आपको हस्ताक्षर यहाँ पर करवाना है, ठीक है। तो ये कम्प्लीट हो गया, तो ये दोनों आप भर लिए, ठीक है, यानी आप रेडी कर लिए। तो यहाँ पर भी प्रधानाध्यापक का आपका मुहर और हस्ताक्षर होगा, और ये जो आप लिए थे यहाँ पर भी प्रधानाध्यापक का मुहर और हस्ताक्षर होगा, ठीक है। उसके बाद ये एडमिशन रजिस्टर्ड, ये आपको कहाँ से मिलेगा, मान लीजिए आप मैट्रिक का मार्कशीट निकाल लें तो मैट्रिक जिस भी स्कूल से पास किए हैं वहाँ के प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इंटरमीडिएट पास किए हैं, इंटरमीडिएट का कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं तो इंटरमीडिएट का जो भी कॉलेज होगा वहाँ पर आप जाएंगे, और जिस भी स्कूल कॉलेज में जाएंगे उसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको इस पर यहाँ पर मुहर हस्ताक्षर करवाना है और इस पर यहाँ पर मुहर हस्ताक्षर करवाना है, और वहीं पे जाएंगे और बोलेंगे सर मेरा मार्कशीट खो गया जिसके कारण मैंने आवेदन भी लिखा, उनको आवेदन दिखाएंगे और आवेदन पर भी मैंने आपको बताया मुहर और हस्ताक्षर करवाएंगे और इस फॉर्मेट पे भी करवाएंगे, ठीक है, इस पर भी दोनों पे आप करवाएंगे और बोलेंगे मुझे एडमिशन रजिस्टर दीजिए जब मैं एडमिशन लिया था उस समय का, और इसका फोटोकॉपी करके आपको दे देंगे और उस पर हस्ताक्षर और मुहर भी करके आपको दे देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे, वहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक दिया गया, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एफिडेविट का फॉर्म जो है उसको भी डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया, तो क्लिक करके ईजिली डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोबारा प्राप्त करेंगे उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी A to Z इसी पोस्ट पर अपडेट की जाएगी। अभी अपडेट नहीं हुई है, 12 से अपडेट कर दी जाएगी। फिलहाल और भी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार ऊपर से नीचे इस पोस्ट को पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप जब जाएंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तभी आप ही को परेशानी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया इस वीडियो के माध्यम से कि आपका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, इस वीडियो को देखिए और क्षेत्रीय कार्यालय को पता कीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो कुछ इमेज भी आपको यहाँ पर बताया गया, सो आप यहाँ पर देखते हैं इमेज के माध्यम से और भी जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप जो क्षेत्रीय कार्यालय जाएंगे वहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को मतलब इस पोस्ट को ऊपर से नीचे पूरा पढ़ लेते हैं तो आप ही को बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके मन में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन रह गई है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर आप हमें मैसेज करके जो भी आपको पूछना है इजिली वहाँ पर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।